iBoomi ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन iBoomi Z1 लॉन्च कर दिया है। इस फोन में कंपनी ने पहली बार नॉच डिस्प्ले दिया है। तो आइए इस फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने नॉच डिस्प्ले के अलावा और क्या क्या दिए हैं। iBoomi ने Z1 में बाजार की मांग को देखते हुए 5.67 इंच का HD+ नॉच डिस्प्ले दिया है। अब बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। हालांकि फ्लैश लाइट आपको सिर्फ रियर कैमरे के साथ ही मिलेगी। अब बात प्रोसेसर की करें तो इस फोन में iBoomi Z1 में MediaTek का 6739 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इस फोन में 2800 mAh की बैटरी है। iBoomi Z1 में 2GB RAM के साथ 16GB की स्टोरेज दी गई है। इस फोन में डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट दिया गया है, यानी दोनों सिम एक साथ 4G सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इस फोन में दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके लिए अलग से एक स्लॉट भी दिया गया है। बात करें फोन की सिक्योरिटी की, तो इस फोन में कंपनी ने रियर पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और साथ ही फेस अनलॉक फीचर भी दिया है, यानी आप चेहरे को दिखाकर इस फोन को अनलॉक कर सकते हैं। iBoomi Z1 की कीमत सिर्फ 6,999 रुपए है, यानी सिर्फ 7,000 रुपए में आपको मिलता है बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन। iBoomi Z1 के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो 8.1। वैसे तो iBoomi ने Z1 के साथ कम कीमत में बहुत सारी चीजें और फीचर्स देने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये फोन आपके काम का है। इसका हम रिव्यू जल्द ही करेंगे। तो ये थी iBoomi के नए स्मार्टफोन Z1 की अनबॉक्सिंग। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए स्मार्टफोन के साथ, किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक आप देखते रहिए amarujala.com।